नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। विधानसभा चुनाव 2024 में पूर्व नागपुर से भाजपा पक्ष उम्मीदवार कृष्णा खोपड़े की प्रचार सभा लालगंज झाड़े चौक में आयोजित की गई और इस प्रचार सभा को संबोधित करने पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। साथ ही इस प्रचार सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार कृष्णा खोपड़े, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। आइए आपको दिखाते हैं भाजपा पक्ष उम्मीदवार कृष्णा खोपड़े ने इस प्रचार सभा के माध्यम से क्या कुछ कहा। आज अपने यहाँ पर हमारी देश के नेता और माजी केंद्रीय मंत्री सम्मान्य स्मृति ईरानी जी आज अपने शांति नगर के परिसर में वो अपने को संबोधित करने यहाँ पर आई है और इसके बाद उनको और एक दो कार्यक्रम के अंदर जाना है। अपने पूर्व नागपुर के चुनाव में लगातार अपन देख रहे कि पूर्व नागपुर का ये ऐतिहासिक चुनाव, यहां पर ये पूर्व नागपुर बोले जाने, ये कांग्रेस का घर माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे करते करते आज पूर्व नागपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ यहां पर हो गया। और इसलिए लगातार विकास के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से पूर्व नागपुर के अंदर परिवर्तन आया और आज पूर्व नागपुर को लोग विकास के मॉडल के रूप में यहां पर देख रहे हैं। और इसलिए आज नागपुर शहर के अंदर पूर्व नागपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णा खोपड़े को पूर्व नागपुर की जनता का मिल रहा है भारी समर्थन। साथ ही उनकी प्रचार सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल।